नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। गोंड जनजात संघर्ष समिति आजमगढ़ के तत्वावधान में अनुसूचित जनजात के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मंडल संरक्षक सुभाष चंद्र प्रसाद गोंड ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र मांग की और अपनी अध्यक्षता में जनपद के समस्त तहसीलदार वर्ग और जनजात संघर्ष समिति आजमगढ़ की एक संयुक्त बैठक बुलाकर स्वयं संतुष्ट होकर उक्त शासनादेश की मनसा के अनुरूप गोंड जनजात की पहचान के लिए स्थलीय जांच को वरीयता देते हुए व स्थलीय जांच में उपजाति धुरिया नायक ओझा पठारी व राजगोंड के आधार पर गोंडजात की पहचान पर उनके सुगमतापूर्वक अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं देने हेतु जनपद के समस्त तहसीलदार को आदेशित करने की मांग की। इस मौके पर सुभाष प्रसाद गोंड, फागुलाल गोंड, विजय कुमार दीपू, खरवार आदि लोग उपस्थित थे। मैं सुभाष प्रसाद गोंड, गोंड जन संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। आज कौन से मामले के लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय पाएंगे? हम लोग गोंड जात के हैं और गोंड अनुसूचित जनजात में आती हैं। इनकी 5 उपजातियाँ हैं, धुरिया नायक, ओझा पठारी और राजगोंड। ये 5ों हैं। शासन और सरकार का, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का बार बार आदेश आता है कि इनको अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, लेकिन अधिकारी जो है उसमें जो है सबसे बड़ी तो दिक्कत ये तहसीलदार महोदय लोगों की है कि जिलाधिकारी महोदय बार बार आदेश करते हैं लेकिन तहसीलदार महोदय उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, अगर उनकी कोई समस्या है तो वह समस्या का निदान जिलाधिकारी के यहाँ बैठक करके और जिलाधिकारी रहें, सबके सामने बातचीत हो जाए और अगर हमारा हक बनता है तो हमको दें। हमारा रिकॉर्ड बोलता है कि हम गोंड जात के हैं और अनुसूचित जनजात में आते हैं तो हमको प्रमाण पत्र दें, अगर ऐसा नहीं है तो मत दें प्रमाण पत्र। लेकिन जो आज 10 साल से इस प्रकरण को यह लोग लटकाए हुए हैं और जो जनमीन है, जिनके कागजात भी हैं, सब कुछ होते हुए भी ये अधिकारी प्रमाण पत्र हम लोगों को जारी नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय समस्त तहसीलदारों को बुला के और आमने सामने हम लोगों की बैठक करा लें। जो दिक्कत है उनको, अगर कोई दिक्कत है तो वह बताएं, हमको कोई दिक्कत है तो हम बताएं और प्रमाण पत्र जारी कराने की कोई नीति ऐसी तय करें जिससे सारे लोगों को प्रमाण पत्र जारी हो आराम से। आपको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? अब आगे हमारी रणनीति यही होगी कि हम लोग यह कोरोना का पालन करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन कुछ न कुछ करेंगे भाई, और हम लोगों के सामने विकल्प क्या है?